So yeah, hello students, welcome to Easy Biology Tutorials. So we were already discussing with the abiotic factors. We have seen that ecology ke andar hum biotic as well as the abiotic factors ke bare mein padhenge, as well as the different interaction of the organisms in a biotic and the abiotic environment. So abiotic factors ke andar we had already seen that what is the basic role of temperature and what is the basic role of water in sustaining a life. Now, next we are going to talk about the light. Hanji. So plants need sunlight for photosynthesis. लाइट की जरूरत प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए है, ठीक है. एंड फोटोसिंथेसिस के ऊपर हम सभी लोग क्या है, डिपेंडेंट है. स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट्स दैट इज हर्ब्स एंड श्रब्स आर अडैप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट बिकॉज दे आर ओवर शेडोड बाय टॉल कैनोपेड ट्रीज, ठीक है. अब देखिए, जो हमारे पास हर्ब्स एंड श्रब्स हैं, कई हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लो लाइट के अंदर रहने के लिए अडाप्टेड हैं, जिसको हम शेड प्लांट्स भी बोलते हैं, जिसको हम इन द हाउस डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है. द प्लांट्स विच आर यूज फॉर इनडोर डेकोरेशंस, दे आर बेसिकली द शेड प्लांट्स जो लो लाइट कंडीशंस के अंदर अडाप्टेड होते हैं, कि वो मतलब कि हमारी जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खुद के लिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव. क्यों? क्योंकि इन क्योंकि क्योंकि इवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इवोल्यूशन ये जो प्लांट्स थे दे वर बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, या इन द फॉरेस्ट दे वर बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय द ट्रीज. जो हर्ब्स हैं वो शेड हो गए थे ट्रीज के साथ, ठीक है. तो उनको शुरू से ही क्या है, लो लाइट मिल रही है, इनको प्रॉपर लाइट मिल ही नहीं रही है, तो इसी वजह से ये लो लाइट की तरफ ही क्या है, अडैप्टेड है, दे आर अडैप्टेड टुवर्ड्स द लो लाइट ओनली. नेक्स्ट वी आर हैविंग मेनी प्लांट्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर फोटोपीरियोडिज्म दैट इज फ्लावरिंग. तो फोटोपीरियोडिज्म का क्या केस होता है स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग द केस ऑफ द फोटोपीरियोडिज्म एज कि जब हमारे लॉन्ग डे होते हैं, लॉन्ग डेज कब होते हैं, इन द समर्स. समर्स के अंदर आपको पता है कि 8 बजे तक सूरज कहीं नीचे जाता है और सुबह सुबह 6 बजे से भी पहले सूरज उग जाता है, ठीक है. एंड लेटर ऑन वी आर हैविंग द शॉर्ट डेज. शॉर्ट डेज कब होते हैं, नवंबर के लास्ट एंड दिसंबर के शुरू में. सो दीज आर द थिंग्स. सो वो क्या होता है, एक टाइप का स्टिमुलस होता है. प्लांट्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं, एंड ऐसे भी रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट की ड्यूरेशन को सेंस करते हैं, ठीक है. सो दैट इज नोन एज द फोटोपीरियोडिज्म. एंड फोटोपीरियोडिज्म क्या करवाता है, फ्लावरिंग करवा देता है. नेक्स्ट इज मेनी एनिमल्स यूज द डायअर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटोपीरियड फॉर टाइमिंग देयर फोर एजिंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज, ठीक है. तो एनिमल्स के अंदर भी यही होता है, मतलब जो बर्ड्स हैं माइग्रेट करती हैं, फिशेज हैं माइग्रेट करते हैं, या फिर कई टाइप के एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं. वाई एंड हाउ डू दे माइग्रेट, वो भी सीजनल वेरिएशन को कैसे जज करते हैं, दे आर नॉट एबल टू सेंस द टेम्परेचर बेसिकली. वो भी यही देखते हैं कि अगर हाँ सनलाइट उनके अंदर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने की पावर होती है ब्रेन के अंदर, एंड थस दीज थिंग्स, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेंस करते हैं इन एंड सम वे इन द माइंड ऑफ देयर ब्रेन, इनकी अडैप्टेबिलिटी में, इनकी फिजियोलॉजी में लाइट कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि हमें पता है कि विंटर्स और समर्स के अंतर में, समर्स के अंदर वी आर हैविंग वेरी वेरी लॉन्ग डेज, विंटर्स के अंदर वी आर हैविंग वेरी शॉर्ट डेज. तो इस चीज का ऑर्गेनिजम्स की, बोथ
प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स बोथ की कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी पे या वी कैन से फिजियोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है. सो लाइट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए हमें, देन हमें माइग्रेशन एंड फ्लावरिंग के लिए चाहिए. नेक्स्ट इज वॉट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इवोल्यूशन से, मतलब ऑफकोर्स है ना. एबायोटिक थिंग्स वर इवॉल्व बिफोर देन द बायोटिक थिंग्स, है ना. तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. किसी भी टाइप की लाइट को ढूंढने से पहले हमें, हमारे पास ऑलरेडी सन था. सन वॉज द सोर्स ऑफ द एनर्जी. डीप इन द ओशंस, 500 मीटर से भी नीचे की अगर हम बात करें, इन द ओशंस द एनवायरमेंट इज वेरी वेरी डार्क एंड देयर इज नो एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन. द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. तो वहां पे कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स ड्वेल करते हैं जो लो रेडिएशंस ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो ये आपको समझ आ गया. The UV spectrum is harmful to many organisms. Not all the color components of the visible spectrum are available for marine plants. Marine, क्योंकि sea है, sea की depth क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है. We don't know that how deep is the sea. ठीक है, sea के अंदर कभी कोई खो गया तो मिलता भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा depth होती है sea की. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द केस कि डीप अंडर द जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं सी के अंदर, तो उनके पास हो सकता है कि पता नहीं कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट पहुंच रही है या कौन सी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट नहीं पहुंच रही है. सो दिस इज द केस. यस, देन हाउ इज लाइट इफेक्टिंग अस, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट, लेट मी टेल यू. Light plays an important role in photosynthesis. As well as animals' behavior. Of course, the presence and absence of light varies and decides kind of organisms present in an environment. Okay, yes. So students, at last we are having our last factor, that is last abiotic factor, that is the soil. Now students, the nature and properties of soil is differed due to climate, weathering process, sedimentation, method of soil development, etc. So properties of soil, different properties of soil are present in the different areas, है ना. जैसे mountains पे किसी और quality का soil मिलता है, plains के ऊपर किसी और quality का soil मिलता है, grasslands के अंदर, forest के अंदर, the quality of the soil is variable in different places about different environments. ठीक है. Weathering, rocks टूट रहे हैं, छोटे particles के अंदर convert हो रहे हैं, this is also deciding the quality of the soil. कि अगर soils के अंदर ज्यादा मोटे particles होंगे, that soil is not considered as a good quality soil, and other kinds of soil are considered to be of good quality soil, है ना. So in this way, soil composition, grain size, aggregation, etc., everything is affecting the life directly or indirectly. ठीक है. So हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज द केस. देन वी आर हैविंग द सॉइल कॉम्पोजिशन.
the soil composition, the grain size and aggregation, determine the percolation and water holding capacity of the soils. ठीक है, soil composition, grain size, aggregation, ये क्या डिसाइड कर रहे हैं कि वॉटर कितना होल्ड हो रहा है. अगर उसके अंदर स्पेस होगी, पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड देयर इज प्रॉपर स्पेस बिटवीन द सॉइल, तो वो सॉइल क्या है, एरिएटेड है. एयर कैविटीज के अंदर, एयर स्पेसेस के अंदर जो वॉटर है वो अच्छे से होल्ड हो सकता है. सो दिस इज इफेक्टिंग द वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अवर सॉइल्स. नेक्स्ट, these characteristics and parameters like pH, mineral composition and topography determines the vegetation and animals in an area. Yes, so in this way you can see that how the different kinds of environment are affecting the different composition of soil. Next and last point that we are having is, in the aquatic environment the sediment characters determine the type of the benthic animals. Benthic animals are those animals that lives in the seabed. So aquatic environment ke andar jo bhi hamare paas characteristics hai, sediment characteristics, they are determining the benthic animals. So this is done. So we can see that how the soil is also affecting the type and quality of vegetation. Ultimately, जिस type की हमारे पास vegetation होगी, उस type के हमारे पास क्या होंगे organisms, and उस type का हर organism खाना खाएगा, and so on. So, response to abiotic factor. Organisms maintain a constant internal environment, that is homeostasis, what we call as the homeostasis. So, what is homeostasis? That all the organisms, that is plants as well as animals, they maintain a constant internal environment despite varying in the external environmental conditions. चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट, बट ये सब होने की बजाय भी, जैसे हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, चाहे कोई एक इंसान गर्मी के अंदर रह रहा है, चाहे कोई एक इंसान ठंड के अंदर रह रहा है, कोई माउंटेन के अंदर रह, माउंटेन के ऊपर रह रहा है, कोई प्लेन्स के ऊपर रह रहा है, ग्रासलैंड के ऊपर रह रहा है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एबायोटिक जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस ओनली, बिकॉज दिस इज नोन एज हेमोस्टेसिस. तो हमारे पास ये चार प्रोसेसेस हैं. दिस इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग फोर प्रोसेसेस. हेमोस्टेसिस है जो ये चार प्रोसेसेस की वजह से होता है, रेगुलेट, कॉन्फॉर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड. सम ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट, जैसे हम हैं, हम क्या करते हैं, जैकेट्स पहन के, वुलन कपड़े पहन के, वी आर ट्राइंग टू मेक मेंटेन अवर इंटरनल एनवायरनमेंट, वी आर रेगुलेटिंग अवर इंटरनल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज सम ऑर्गेनिजम्स कॉन्फॉर्म, सम ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट फ्रॉम द कंडीशंस वेयर अनफेवरेबल कंडीशंस आर देयर. अनफेवरेबल कंडीशंस की तरफ से वो फेवरेबल कंडीशंस की तरफ क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं. नेक्स्ट आर सस्पेंड, कई ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं उस चीज से जो उनको अनफेवरेबल फील हो रही है. सो फर्स्ट प्रोसेस इज रेगुलेट. लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज रेगुलेशन. यस, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हेमोस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स. ओके, सो हेमोस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स. इट इंश्योर्स कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट इज थर्मोरेगुलेशन, कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. एग्जाम्पल्स, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर
regulating itself. ओके कि हम गर्मियों में खुद को हाइड्रेट रख के टेम्परेचर मेंटेन करके वी आर एबल टू मेंटेनिंग अवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड सर्दियों के अंदर हम गर्म चीजें पी के गर्म हॉट टेम्परेचर मेंटेन करके अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं. व्हाट इज मीन बाय थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स. द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज मेनली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. In summer, when outside temperature is more than the body temperature, that is 37 degrees Celsius, we sweat. This results in evaporative cooling and brings down the body temperature. Moreover, if we are sweating karne ke baad hume pyaas lagti hai, we feel thirsty, we drink water, and water also helps in maintenance of the temperature. In winter, when temperature is below 37 degrees Celsius, shivering occurs. It produces heat and raises the body temperature. What is shivering? Shivering is a kind of kinetic movement. Shivering is a kind of kinetic movement that releases heat in the body. So, shiver karne ke baad hume हमारी बॉडी में थोड़ी सी हीट फील होती है, बट ज्यादा शिवर नहीं करना चाहिए वरना ठंड लग जाती है. जब भी आप लोगों को शिवरिंग फील हो, यू शुड कब कुछ भी मतलब गर्म कपड़ा पहन लो, शॉल वगैरह ले सकते हो, आप जैकेट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, स्वेटर पहन सकते हो. शिवरिंग ज्यादा देर तक होगी तो आप नोटिस कर सकते हो कि आप नेक्स्ट डे बीमार हो जाओगे. सो डोंट लेट योर सेल्फ शिवर अलॉट, है ना. दीज आर जस्ट रिस्पॉन्सेस, स्वेटिंग एंड शिवरिंग. Next, thermoregulation is energetically expensive, especially for small animals. Shrews, hummingbirds, etc. They have a larger surface area relative to their volume. So they lose body heat very fast. When it is cold outside, then they have to expend much energy to generate body heat. Therefore, very small animals are rare in polar regions. तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या केस है. दिस इज द केस ऑफ द सरफेस एरिया. लार्जर सरफेस एरिया लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड. तो लार्जर सरफेस एरिया का जो फीचर है दैट इज फेवरेबल फॉर द दीज कंडीशंस. नेक्स्ट फीचर दैट वी आर हैविंग इज कॉन्फर्मेशन. 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑल Nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature or osmotic concentration change with the surrounding conditions. They are called conformers. ठीक है, तो conformers क्या होता है कि जो अपने temperature को change कर लेते हैं बाहर के temperature के according. जैसे कि plants हैं, plants का temperature गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा होता है. In aquatic animals, osmotic concentration of the body fluid changes with that of ambient osmotic concentration. Ambient osmotic concentration means the outer osmotic concentration. बाहर से जो भी changes हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ हमारे changes लेके आ रहे हैं, जिससे we are having conformation or changes. Yes, they are called conformers. So these things is conformers. Yes. Next is migration. Many animals like birds move away temporarily from stressful habitat to a more hospitable area and return when the stressful period is over. So this is migration. Like Siberian cranes, they are migrating. During winter, Keolado National Park hosts migratory birds
coming from Siberia and other extremely cold northern regions. बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में साइबेरियन क्रेन्स यहाँ पे नेशनल पार्क के अंदर आ जाती हैं, ठीक है? So this is a kind of response. Students, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको ध्यान में रखना, बिकॉज दीज आर एग्जाम्पल्स, ये सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ही हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज सस्पेंड इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स. थिक वॉल्ड स्पोर्स हेल्प टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. Under suitable conditions, they tend to germinate. So these are suspensions. Suspensions क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के बारे में, है ना? हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर मल्टीपल फिशन करते हैं. जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा वापस आ जाती हैं तो ये क्या कर लेते हैं, दोबारा से अपने आप को बाहर निकाल के एनवायरमेंट के अंदर सस्पेंड हो जाती है. सो इन हायर प्लांट्स सीड्स एंड सम वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सर्व टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. दे जर्मिनेट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर. So in higher plants, seeds are some vegetative reproductive structure that serve to tide over periodic stress. ठीक है, तो higher plants के अंदर seeds are also, seeds हैं, आपको आपको पता है कि dormant phase के अंदर चली जाती हैं, जब favorable conditions होती हैं तब ही seeds क्या होती हैं, sprout होती हैं. Then suspension के examples हैं hibernation, estivation, diapause. So these are things. Hibernation of bears during winters. During winters, they tend to go under a winter sleep. Snails undergo a summer sleep. And diapause, a stage of suspended development in zooplanktons. Zooplanktons, जब उनकी embryonical larval stage होती है तो diapause stage के अंदर चले जाते हैं if any case of unfavorable condition occur. Next, we are having adaptation. So what is adaptation? Adaptation is the morphological, physiological, and behavioral attribute that enables an organism to survive and reproduce in its habitat. So these are adaptations. Students, जैसे हम बहुत ज्यादा ठंड है, हम अपने घर पे क्या कर सकते हैं, हीटर्स लगवा सकते हैं. बहुत ज्यादा गर्मी है, हमने घर पे एसी लगवा ली. एंड दीज थिंग्स आर अडेप्टेशंस कि अगर मैं कहीं एक परमानेंट एरिया में जा रही हूँ जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है तो बाहर वाले इन्वायरमेंटल किसी भी फैक्टर को मैं अपने आप को इफेक्ट नहीं होने दे सकती. आई कैन जस्ट अडेप्ट टू दैट एनवायरमेंट. ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग जो हर बच्चे को सीखनी होती है सो दैट वो अपने फ्यूचर में सब कुछ अच्छा कर सके. Next is many adaptations have evolved over long evolutionary time and are genetically fixed. So these are adaptations. Next we are having adaptation of a kangaroo rat. कैंगरू रैट के बारे में देखते हैं. ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स के अंदर मिलता है. इसके अंदर इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन होएगी तो फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर वुड बी रिलीज्ड. एंड उसको क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको बाहर से वाटर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती. दिस रैट इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. जैसे वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करता है. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट वी आर हैविंग द अडैप्टेशंस ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सर्फेसेस, संकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट, कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे इज प्रेजेंट दैट एनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम. डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपंशिया हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस. फोटोसिंथेसिस इज डन बाय स्टेम्स.
So these are the adaptations of the desert plants. Next, we are having the adaptations of mammals. Mammals from colder climates have shorter ears and limbs to reduce the hair loss. This is called as the Ellen's rule. What is Ellen's rule? That small extremities. What is Ellen's rule? Let me tell you. Okay, yes. Now, the next thing is the aquatic animals like seals have a thick layer of fat, that is blubber, below their skin that acts as an insulator and reduce loss of body heat. So, these are the adaptations of aquatic mammals. Next, we are having physiological and biochemical adaptations. Archaebacteria are found in the hot springs. So, uski wajah se uske paas kya hai? Bahut hi zyada high temperature pe activate hone wale enzymes hain. Many fishes thrive in the Antarctica winters, that is below 0 degrees Celsius, with the help of something, some way. Many marine invertebrates and fishes live at greater depths where ocean pressure is 100 times more than the normal atmospheric pressure. So, kisi na kisi tarike se wo wahan pe adapt karne ke liye kamyab hain. So, if they have adapted to that environment, to wo normal environment ke andar nahi reh sakte, that is clear. At high altitudes, we feel altitude sickness, that is loss of RBCs, loss of blood in some cases due to pressure changes. Its symptoms are nausea, heart palpitation, and fatigue. This is due to low atmospheric pressure, so body does not get enough oxygen. Gradually, we acclimatate the situation and the body compensate low oxygen availability by increasing RBCs and breathing rate. And altitude sickness is the response. Sorry, altitude sickness is the stimulus, and what is that? That is the response. We are doing. Next is the desert lizard bask in sun and absorb heat when the body temperature is low, but move into shade when the ambient temperature start increasing. Some species burrow in the soil to hide and escape from the above ground heat. So these were all the adaptations that were exhibited by different organisms in different environment. Okay, students, so with that, we have completed the first part of this chapter, that is organisms and population. In the next class, we are going to deal with the next topic. Till then, thank you and have a nice day.